कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों को दिल्ली में प्रवेश की इजाजत मिल गई है। कल इससे पहले दूसरे दिन भी दिल्ली में घुसने की कोशिश कर रहे हजारों किसानों की जवानों के साथ झड़प हुई। इस दौरान पुलिस ने पानी की बौछारें और उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े। इस प्रदर्शन के दौरान कई ऐसी तस्वीरें भी देखने को मिली जिसमें एक तरफ महिलाएं खाना बना रही हैं तो दूसरी ओर पुरुष अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय। मोदी सरकार, काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। बैरिकेडिंग हटाए जाने के बाद पंजाब से किसानों के कई जत्थे दिल्ली में आ गए। वहीं पंजाब के किसानों को उत्तर प्रदेश के किसानों का भी साथ मिल गया। बता दें, ये किसान दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देना चाहते थे, पर सरकार ने उनको जंतर मंतर पर धरना देने के लिए परमिशन नहीं दी, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा, किसान जंतर मंतर पे आंदोलन करना चाहते हैं तो उनको जंतर मंतर पे आंदोलन की अनुमति दे दीजिए। पहले भी बहुत सारे आंदोलन जंतर मंतर पे हुए हैं, बहुत सारे प्रदर्शन जंतर मंतर पे हुए हैं। देश के कृषि कानूनों के खिलाफ अमित शाह ने कहा कि मैं प्रदर्शनकारी किसानों से अपील करता हूं कि भारत सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है। कृषि मंत्री ने कहा कि उन्हें 3 दिसंबर को चर्चा के लिए आमंत्रित किया गया है। सरकार किसानों की हर समस्या और मांग पर विचार करने के लिए तैयार है। पंजाब की सीमा से लेकर दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर रोड पर अलग अलग किसान यूनियनों की अपील पर जो किसान भाई आज अपना आंदोलन कर रहे हैं, वो सभी को मैं अपील करना चाहता हूं कि भारत सरकार आपसे चर्चा करने के लिए तैयार है। 3 दिसंबर को कृषि मंत्री जी ने आपको निमंत्रण पत्र भेजा है चर्चा के लिए, और भारत सरकार आपकी हर समस्या और आपकी हर मांग पर विचार विमर्श करने के लिए तैयार है। दूसरा, अभी अलग अलग जगह पे नेशनल हाईवे पर, स्टेट हाईवे पर किसान भाई अपने ट्रैक्टर और ट्रॉली के साथ इतनी ठंड में खुले में बैठे हुए हैं। इस सबको मैं अपील करना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस आपको एक बड़े मैदान के अंदर शिफ्ट होने के लिए, शिफ्ट करने के लिए तैयार है। आप कृपया वहां पर जाइए, वहां पुलिस परमिशन भी आपको कार्यक्रम करने की दी जाएगी। आप वहां पर मंच भी लगा सकते हैं, वहां टॉयलेट्स आदि सुविधाएं भी बना दी गई है, वहां पर एम्बुलेंस की और स्वास्थ्य की सुविधाएं भी निरंतर रहेगी, पानी की सुविधा भी निरंतर रहेगी और सुरक्षा की व्यवस्था भी रहेगी। तो आप लोग रोड की जगह अगर वो निश्चित किए हुए स्थान पर जाकर अपना धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से करते हैं, तो मुझे लगता है कि इससे किसानों की भी परेशानी कम होगी और आवाजाही कर रहे आम जनता की भी परेशानी कम होगी। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राघव चड्ढा कहते हैं कि हम पूरी तरह से किसानों के साथ हैं, किसानों के लिए सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, दिल्ली सरकार उनकी मेजबानी करेगी, वो जब तक चाहें वो दिल्ली में रह सकते हैं और अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। भाजपा सरकार हमारे किसान भाई बहनों पर वाटर कैनन बरसा रही है, पानी कैनन और आंसू के गोले बरसा रही है, और दूसरी ओर आप देख रहे हैं कि केजरीवाल सरकार उनके लिए वहाँ पानी पीने की व्यवस्था कर रही है, नहाने धोने की व्यवस्था कर रही है, जलपान की व्यवस्था कर रही है। ये दिखाता है दूसरी सरकार, इन दो सरकारों के बीच का अंतर। और मैं साफ तौर पे कहना चाहूँगा, हमारे किसान भाई बहनों का दिल्ली में स्वागत है। अरविंद केजरीवाल सरकार आपकी मेज़बानी करेगी और आप मजबूती से बेखौफ होकर अपनी आवाज़ को बुलंद करिए, हम आपके साथ खड़े होकर आपकी इस इनकलाबी आवाज़ को और बुलंद करेंगे।